कांग्रेस के सारा मुख्य लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। क्यों करता हूं सर? आपने हमारा बहुत सरोपकार किया है सर। भगवान की इस ड्रामा में अगर हीरो होगा तो विलेन भी चाहिए, विलेन नहीं होगा तो हीरो का महिमा कैसे प्रकट होगा सर। भगवान श्री राम ने जब जंगल को गया वनवास के उपरांत वो वापिस आया और माँ कैकेयी के पास गया, प्रणाम किया। माँ कैकेयी ने पश्चातापूर्वक बताया, अरे राम तू मुझे माँ कहकर पुकारता है? कहले क्यों माँ? मैं तो कौशल्या माता के पास बाद में जाऊंगा, पहले तो आपको आया। कहले माँ डाक 14 साल तक मैंने सुना नहीं। कहले क्यों? भरत माँ नहीं देखते? नहीं नहीं भरत माँ पुकारते नहीं। पूछे भरत क्यों? अरे भरत तो मुझे राक्षसी वागुनी नागुनी बोलता है। कहले भरत ये क्या है माता जी को अपमान? कहले देखो भाई नागुनी वागुनी राक्षसी वो बाकी लोगों को खा जाते हैं लेकिन अपना बेटा को नहीं खाते हैं, वो तो पति को भी खा गया बेटे को भी। ऐसा बकवास मत करो, माफी मांगो। भरतों ने माँ का चरण पकड़ लिया और कई कई माता आलिंगन कर लिया। आनंद असुर आ गया, कहले देखो भरत 14 साल तुमने माता को प्रताड़ित किया लेकिन मातृत्व की कैसा वात्सल्य निर्जरणी भति है, देखो तुमको गदगद होकर के आलिंगन कर लिया, माफी मांगो। फिर राम ने पुकारा, पूछा माँ मेरे को क्यों माता बोलने का अधिकार नहीं? आप बोले नहीं नहीं तुम्हारा तो अधिकार है राम किंतु कैकेयी का नहीं है। कहले क्यों? कहले मैंने तुमको कितना कष्ट दिया। उन्होंने बोला नहीं माता तुम तो ईश्वर प्रेरित हो, तुमने अगर मेरे को प्रताड़ित नहीं करते वन में नहीं भेजते तो राम को कौन जान सकता था। राम तो अयोध्या की छोटा सा राज्य में राजा होकर मर जाता लेकिन आज दिगंत विस्तारी हिमालय से कुमारिका तक कटक से कटक तक सौराष्ट्र से गंगा सागर तक सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक राम का जो महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में फैला है ये मां तुम्हारी कृपा से हुई। इसलिए आपके कारण हमारा बहुत उपकार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास पहले संत और असंत दुर्जन को दुष्ट और साधु को वंदना करते, बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि ले ही मिलत एक दुख दारुण देही। वो कहते हैं मैं संत और असंत साधु और शैतान दोनों को वंदना करता हूं क्योंकि दोनों में एक साम्य है। क्या साम्य है? दोनों ही दुखप्रद है। सज्जन का विच्छेद दुखप्रद है और दुर्जन का मिलन ही दुखप्रद है, दोनों में समान है। सर अब तो मैं निवेदन करता हूं कि जनादेश को विनम्रता पूर्वक मानने की सभ्य आचरण सीखना चाहिए।